छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। कहाँ जाऊँ, कहाँ घर ढूंढूँ मैं अपना? वो गुफा अच्छी लग रही है, चलो चल के देखता हूँ। लगता है कोई यहाँ रहता नहीं। अब से यही मेरा घर रहेगा, अब से मैं यहीं पे रहूंगा। इस जगह की थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, फिर रहने लायक हो जाएगा। ये तो शेर है, कहीं ये इसी की तो गुफा नहीं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? हाँ, किसान ने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय शांति से काम लेना है। हाँ, मैं शांति से काम लूंगा, शांति से काम लूंगा। शेर से नहीं डरूंगा, मैं शांति से काम लूंगा। इसको डराना होगा, इसको भगाना होगा। मैं शेर खाऊंगा, मुझे भूख लगी है भाई। भाई कितनी तेज भूख लगी है, लेकिन कोई शिकार नहीं मिल रहा। मुझे बहुत भूख लगी है, कोई शेर मिल जाता तो उसको खा के मजा आ जाता भाई। चल भाई, किसी शेर का शिकार करके आते हैं, चल। अरे बाप
दूसरी गुफा में बैठा है जो मुझे गाने की बात कर रहा है शेर को। यहाँ से मुझे भागना होगा, मैं नहीं रख सकता। भागो! अरे बाप रे बाप, भागो! अरे 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 शेर भैया, आप कहाँ हैं और ये भागे भागे कहाँ चले जा रहे हैं? अरे मेरी गुफा में कोई मुझसे भी बड़ा जानवर बैठा है। आपकी गुफा में आपसे बड़ा जानवर जो मुझे खाने की बात कर रहा है? अरे वो तो एक बूढ़ा सा बैल है, मैंने देखा है उसे। बूढ़ा सा बैल? हाँ। अरे नहीं। अरे हाँ, मैंने खुद देखा है उसे। आपको मेरी बात सही नहीं है? नहीं। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो बूढ़ा सा बैल है। नहीं चलूंगी। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, हम दोनों अपनी पूंछ आपस में बांध लेते हैं, ठीक है? अगर वो कोई जानवर हुआ जो आपसे बड़ा निकला, तब तो आपके साथ साथ वो मुझे भी खा जाएगा। लेकिन अगर वो बैल निकला, तो अगर आप उसे मारेंगे तो थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी खाने को देंगे ना? हाँ ठीक है, तो चलिए मेरे साथ, ठीक है? हाथ मत छुड़ाइएगा। चलिए आइए। अरे ये शेर और लोमड़ी एक साथ चले आ रहे हैं। इसे लोमड़ी ने बता दिया होगा कि मैं बूढ़ा बैल हूँ। क्या करूं क्या करूं? हाँ, शांति से काम लेना है, शांति से काम लेना है मुझे। आइए आइए दिखाती हूँ, बस एक छोटा सा मामी सा बूढ़ा सा बैल है। आइए तो। ए लोमड़ी, ये क्या? तू सिर्फ एक ही शेर लेके आई है मेरे लिए? मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे दो दो शेर चाहिए। हाँ, अब नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं महाराज, नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ महाराज। ये छोटे से पतले दुबले से शेर से मेरे और मेरे भाई का पेट भरेगा क्या? हाँ, अब तो मुझे तुझे भी खाना पड़ेगा। चल इसको लेके अंदर चल। तुम इसके लिए मुझे चले आ रहे हो? नहीं नहीं महाराज, छोड़ो। महाराज मुझे भी साथ में चलिए। महाराज मुझे भी साथ में चलिए। यार दीदी, मुझे बैठे कितने शांति दिमाग से काम लिया। शांत दिमाग से काम लिया तभी तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया। ये वाली स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, उन्हें हमारी स्टोरीज के बारे में बताइए और चीजों को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ये आपको अच्छी से अच्छी कहानियां सुनाती है ना, है ना? तो बोलो जी, बोल को लाइक करने के लिए जल्दी से अभी जाके लाइक करो। जी जाके लाइक करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।